In this lecture, I am going to discuss about epiphora. So, first of all, what is the introduction? देर आर टू मेन कॉजिज ऑफ इंक्रीज वाटरिंग फ्रॉम आई मतलब दो कॉज जिनकी वजह से आँखों से पानी बहता है इधर इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ टीयर्स और ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन of tears if it is due to decreased drainage of tears through the lacrimal system it will be called as epiphora and if it is due to increased production of tears through the lacrimal gland due to any cause which will be discussed in some other lecture this will be called as lacrimation so epiphora is defined as इंक्रीज वाटरिंग फ्रॉम आई ड्यू टू डिक्रीज ड्रेनेज ऑफ टीयर्स थ्रू द लेक्रीमल सिस्टम तो इसकी पैथोजेनेसिस और कॉजिस को जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल पास से पता होना चाहिए लैक्रीमल सिस्टम का कि लेक्रीमल सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं और टीयर्स की नॉर्मल ड्रेनेज कैसे होती है सो इफ इट इज आई Lacrimal puncta, lacrimal canalicula, then this is lacrimal sac, which is continuing downward as nasolacrimal duct, valve of Hasner, and opening into the inferior meatus. Here is the Inferior turbinate and here is the inferior meatus and the nasal duct opening into the inferior meatus of the nasal cavity. So, what are the various causes? There may be this is the lacrimal puncta. There may be stenosis of the lacrimal puncta, mean narrowing of the lacrimal puncta. Stenosis of lacrimal punctum. ज कैनैक्लाई देर में इसकी कैनलाइजेशन नहीं होती ठीक है मतलब ये एक सॉलिड रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है देर में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस एरिया दिस इज द लैक्निमल सेक Inflammation of lacrimal sac is called uh, Dacryocystitis. When there is Dacryocystitis, there may be, there will be edema and edema causes the compression of this lacrimal sac and preventing the drainage of tears through this system. So infection called Dacryocystitis. Any growth, for example, some neoplasm in that area न्योप्लाज्म विच इज कॉजिंग कम्प्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रीमल सेक वेन इट कॉज दम्प्रेशन ऑफ द लैक्ट्रीमल सेक इट विल अगेन प्रीवेंट द ड्रेनेज ऑफ टीयर्स सो सम न्योप्लाज्मिक ग्रोथ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द नेजोलेक्ट्रीमल डक्ट अब क्या होगा नेजोलेक्ट्रीमल डक्ट की स्टीनोसिस हो सकती है नैरोविंग ऑफ द नेजो लेक्रिमल डक्ट स्टीनोसिस एंड द लास्ट वन देर में भी डेवलपमेंट ऑफ सम पॉलिप हेयर नेधल पोलिप नेधल पोलिप विच इज ऑबस्ट्रक्टिंग द ओपनिंग ऑफ द नेजोल लैक्निमल डक्ट इन्टू द नेजल कैविटी अगेन विल प्रिवेंट द ड्रेनेज ऑफ टीयर्स इन द नेजल कैविटी सो पोलिप नेजल पोलिप

आर लेकिन पंप फेलियर दीज वर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजिस ओके ना इसके लिए जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए वो क्या है

मल डट विल क्रिएट अगेटिव प्रेशर अब क्या होगा जब इस ये लेक्रिमल सैक को अपनी तरफ पुल करेगा इट विल क्रिएट अ नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लेक्रिमल सैक. अब जैसे जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो उनमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और उस नेगेटिव प्रेशर को कैंसिल करने के लिए एयर मूव करती है इसी तरह अब यहां पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ इन द लैक्रिमल सैक उस नेगेटिव प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से क्या होगा टीयर विल मूव इंटू द लैक्रिमल सैक सो नेगेटिव प्रेशर विल कॉज द मूवमेंट और रशिंग ऑफ टीयर्स इंटू लैक्रिमल सैक सो रिपीटिंग When the eye close, the orbicular ocular muscle contract and pulls the fundus. When they pull the fundus of the lacrimal sac, it will create a negative pressure. उस negative pressure ko cancel karne ke liye, the tear will move into the lacrimal sac. So this is the first step. In the second stage, when I open and the muscle relax, the lacrimal sac will come back to its normal position. When the lacrimal sac, jo ke pale, एक्सपेंड हुआ था डिस्टेंड हुआ था वैन इट कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन इट्स स्क्ज ठीक है तो क्या होगा लेक्रिमल सेक स्क्वीज वैन द लैक्रीमल सेक स्क्वीज इट पुश इस द क्योंकि देखो देखें ये इसको ए, ऐसे करके पुश करेगा जब लेक्रिमल सेक वापस अपनी पोजिशन पर आएगा और स्क्वीज होगा तो जो टीयर इसके अंदर मौजूद है उसको स्क्वीज करके आगे भेजेगा ठीक है तो लैक्रिमल सेक स्क्वीज एंड पुश द टीयर्स इन टू द लेक्रिमल नेक्रीमल डक्ट एंड देन इट फाइनली द कैविटी तो ये था नॉर्मल तो so, क्या हो गया लैक्रिमल पंप फेलियर में क्या होगा अब हमने ये देख रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है लैक्रिमल पंप की so, तो लैक्रिमल पंप अगर फेल होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा जो जो टीयर्स हैं वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे जब वो टीयर्स आगे मूव नहीं कर पाएंगे तो वो पीछे को उनकी आ, पी, मतलब वहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे अब जब वो आगे तो इसको भी हम एपिफोरा कहते हैं डिक्रीज ड्रेनेज ड्यू टू तो लैक्रिमल पम्प फेलियर अब लैक्रिमल पम्प फेलियर के आगे कॉजेस कौन से होते हैं लोअर लिड लेगिटी फेशियल नर्व नर्वपॉलसी एंड एक्ट्रोपियन। क्योंकि फेशियल नर्व पास ही इज द नर्व विच इज द सपलाइंगुलर सोक्यूलर मसल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन वैन द फेशियल नर्व इज पैरालाइज देर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल एंड द पम्प विल बी फेल एंड एक्ट्रोपियन क्या होता है एक्ट्रोपियन लोअर लिड एक्ट्रोपियन क्या होगा इट इज द इट इज अ कंडीशन इन विच द लोअर आई लिड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड और और इवर्टेड या टर्न आउटवर्ड ठीक है मतलब अगर ये आई बॉल है और यहाँ पे ये आई लिड है तो एक्ट्रोपियन में क्या होगा आई लीड इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोन पंक्टा है इट लॉस इस कनेक्शन विद द टीयर फिल्म जो यहाँ पे टीयर फिल्म है उससे कनेक्शन इसका लॉस हो जाएगा और यहाँ से फिर वो ड्रेन नहीं कर पाएंगे टीयर्स तो लोअर लिड एक्ट्रोपियन द नेक्स्ट सेटिंग इज हाउ टू डाइग्नोज दिस कंडीशन तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है दो में इधर देर इज़ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आ जाता है नंबर वन री रिगर्जिटेशन टेस्ट अब रिगर्जिटेशन टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन हमने क्या किया जो आई है जस्ट इमेजिन दिस इजन आई अब आई का जो मीडियल पोर्शन है जहाँ पर कि लेक्रिवल्स हैग प्रजेंट है हमने वहाँ पर अपनी लिटल फिंगर रखी वही प्लेस आवर लिटल फिंगर ऑन द स्क्रीन ओवर द एरिया ऑफ लैक्रीबल हैग एंड अप्लाई आ प्रेशर हम जब उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और हम कहाँ देखेंगे वी विल सी द लेक्रिमल पंक्टा एंड लुक फॉर एनी रिगर्जिटेशन ऑफ टीयर्स थ्रू द लेक्रिमल पंक्टा अब होगा क्या अगर जस्ट इमेजिन देर इज ऑब्स्ट्रक्शन हेयर उस ऑबस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा लेक्रिमल सैक विल बी फुल ऑफ टीयर्स एंड दिस अपर पार्ट ऑफ द लेक्रिमल लेक्रिमल डक्ट इज फुल ऑफ टीयर वेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन द लेक्रिमल सैक उस वजह से क्या होगा जो टीयर्स हैं वहाँ से बाहर आ जाएंगे दे विल बी रिगर्जिटेशन ऑफ टीय डेट कैन बी सीन ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ टेस्ट कॉल रिगर्जिटेशन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है रिगर्जिटेशन ऑफ द टीयर्स ठीक है नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्टिंग द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल हम पेशेंट से कहेंगे अपनी आंखें जोर से बंद करें और आपने मुझे खोलने नहीं देनी ठीक है मतलब कॉन्ट्रैक्शन कंट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल अगेंस्ट रेजिस्टेंस ठीक है तो इससे आप ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूल मसल का फंक्शन चेक करेंगे थर्ड आईलिड पोजीशन पोजिशन पोजीशन पोजिशन हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई एक्ट्रोपियन तो नहीं है आईलिड की जो पोजिशन है वो नॉर्मल है ताकि क्योंकि अगर आईलिड की पोजिशन अब नॉर्मल होती है तो उस वजह से भी टीयर फिल्म जो है वो कंटिन्यूसली टीय जो है वो ड्रेन नहीं हो पाते थ्रू द पंक्टा एंड द लास्ट वन इज नेज़ल एग्जामिनेशन वी डू द नेजल एग्जामिनेशन टू लुक फॉर द दू लुक फॉर एनी ने पॉलिप और हाइपरट्रॉफिड टर्बिनेट ठीक है क्योंकि अगर हाइपरट्रॉफिड टर्बिनेट होगी वो भी इंफीरियर कंप्रेस कर रही होगी प्रेस कर रही होगी और अगर पॉलिप होगा वो भी जो ओपनिंग है नेजो, नेजो की उसको ऑब्सट्रक्ट कर रहे हैं तो ये थे क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू डायग्नोस एपिफोरा नेक्स्ट इज लैक्रिमल मल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट अब लेक्रिमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि आपको तो बे बेसिकली इनके नाम आने चाहिए लेकिन अगर आपको इनका प्रोसीजर पता होगा तो इनको याद करने में आसान होगा और एक कॉन्सेप्ट डिवेलप होगा नंबर वन इज डाई डिस टेस्ट जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है डाई का डिसपेयर होना इसमें हम क्या करते हैं प्लेस अ ड्रॉप प्लेस अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरिसिन डाई इन द आई इन द कंजेंट सैक एंड वेट फॉर द डिसपेयरेंस ऑफ डाई हम क्या करेंगे हम पाँच मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कि डाई डिसअपेयर हो रही है या नहीं हो रही तो इसमें क्या होगा कि हम आ, हम पाँच मिनट वेट करेंगे और नॉर्मली क्या होता है कि जो डाई है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब क्योंकि डाई विल मिक्स विद द टीयर फिल्म एंड इफ द टीयर्स आर ड्रेनिंग नॉर्मली ड्रेनिंग नॉर्मली दिस डाई विल आल्सो मूव अलोंग विद द टीयर्स और डिसअपियर हो जाएगी लेकिन अगर लेकिन अगर क्या होगा डाई जो है आ, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर जस्ट इमेजिन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है और टीयर्स ड्रेन नहीं हो रहे अब डाई जो कि टीयर्स में प्रेजेंट थी वो भी ड्रेन नहीं होगी तो देर विल बी अ स्ट्रिप ऑफ फ्लोरिसन डाई अलॉन्ग द मार्जिन ठीक है नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक सिरिंजिंग। अब इसको हमने डायग्नोसिस सिरिंजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक थेरापटिक सिरिंजिंग भी होती है जो कि हम एपीफोरा को ट्रीट करने में भी यूज करते हैं या डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को भी ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं तो ये डायग्नोस्टिक सीरेंजिंग है क्योंकि ये डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो रही है इसमें हम क्या करते हैं जस्ट इमेजन दिस इज द दीरेंज हम क्या करते हैं वई पास वई पास द फर्स्ट वई डाइलेट द लेक्ट्रोमल पंक्टा विद द पंक्टम डाइलेटर देन वई पास द नीडल ऑफ सीरेंज थ्रू द लैक्ट्रोमल पंक्टा ठीक है और फिर हम क्या करते हैं uh, जो कि हमने उसमें इंजेक्शन में नॉर्मल सलाइन लिया होता है हम नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे क्या आपको नमकीन जायका आया है क्योंकि क्या होगा जो से हम जब नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे वो यहाँ से पास होते हुए नेजल एक्ट्रीम डक्ट से पास होगी और वहाँ से नेजल कैबिटी में जाएगी और फिर बैकवर्ड मूव करेगी इनटू द थ्रोट अब जब वो थ्रोट में जाएगी तो वहाँ पे उसको नॉर्मल सलाइन का टेस्ट आएगा तो हम हाँ, पेशेंट बताएगा कि मुझे नमकीन जायका आया है इसका मतलब कि वो पेटेंट है जॉन्स डाइट अब जॉन्स डाइट फर्दर डिवाइड है इन प्राइमरी जॉन्स डाइट एंड सेकेंडरी जॉन डाई टेस्ट इसका भी ये भी प्रोसीजर काफी सिंपल है इसमें हम क्या करते हैं वी प्लेस अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरिसीन डाई इन दजबल्स सैक और जो दूसरा एंड है डिसमर डक विच इज ओपनिंग इन टू दिस इज नेमर डक विच इज ओपनिंग इन टू द नेजल कैविटी अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कॉटन बर्ड कॉटन बर्ड होता है ठीक है हम कॉटन बर्ड यहाँ पे रख देंगे या विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर पेपर हम फिल्टर पेपर का जो फिल्टर पेपर है उसका जो आ, उसको हमें ये जो एंड है इसका नेजर लकड़ी बर्डक्ट का एंड है वो यहाँ पर रख देंगे मेनली कॉटन बर्ड यूज़ होता है जब हम कॉटन बर्ड इधर रखेंगे तो क्या होगा जब फ्लोरिसिन डाई यहाँ से मूव करते हुए पूरे सिस्टम से पास करती हुई यहाँ तक पहुँचेगी इट विल स्टेंड द मतलब यहाँ पे क्या पड़ा है या पे कॉटन बर्ड पड़े है तो उसके ऊपर जो कॉटन है उसको स्टेन करेगी अगर तो जस्ट क्योंकि आप खुद देखें अगर तो फ्लोरिसिन वहाँ से पास करे इसका मतलब क्या है कि लैक्रिमल जो ये जो सिस्टम है वो पेटेंट है और वो उसको स्टेन कर रही है और अगर वो स्टेन नहीं कर रही इसका मतलब या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है या पार्शल ऑप्स्ट्रक्शन है तो प्राइमरी में क्या होता है? है।, है कि पेटेंट होते हैं पेटेंसी को हम बस देख रहे हैं कि पेटेंट है या नहीं है इट डिपेंड अपॉन द रिकवरी ऑफ फ्लोरिसिन डाई विच कैन बी डिरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और कॉटन बर्ड और सेकेंडरी जोन टेस्ट अब से, अगर तो पेटेंसी हमें मिल गया है तो हमें सेकेंडरी जोन टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर प्राइमरी जोन टेस्ट नेगेटिव होता है तो हमें सेकेंडरी जोन टेस्ट करना पड़ता है इसमें हम क्या करते हैं जैसे हमने ऊपर भी स्ट्रिंजिंग की थी हम क्या करेंगे वई पास द सिरिंज थ्रू द वई पास द नीडल ऑफ सिरिंज थ्रू द पंक्टम एंड देन एंटर इन टू द लेक्रीमल सैक और फिर उससे नेजोलेक्ट्रीमल डक्ट और फिर हम क्या करेंगे इंजेक्ट करेंगे सिरिंज नॉर्मल सैलिन इंजेक्ट करेंगे तो प्रेशर हम एक किस्म का कर क्या करें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ पार्सल ऑब्स्ट्रक्शन है तो प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि सलीन जो है वो आगे मूव कर जाए तो अगर सेकेंडरी जोन टेस्ट में हमें रिकवरी हो रही है बाय अप्लाइंग प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सीरेंजिंग तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन थी लेकिन अगर हमें अभी भी रिकवरी नहीं हुई इसका मतलब क्या है वहाँ पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है ठीक है तो ये था जॉन्स डाई टेस्ट सेकेंड जॉन्स टेस्ट इसमें क्या किया हमने नॉर्मल सीरेंज दिया रिकवरी नहीं हुई फिर भी प्रेशर देने पर तो पार्शल अगर हो गई है तो पार्शल अगर रिकवरी फिर भी नहीं हुई तो कंप्लीट ऑबस्ट्रक्शन स्टोग्राफी में हम क्या करते हैं वही अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम वो इंजेक्ट अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन द आई और फिर हम एक्सरे लेते हैं अब खुद देखें जहाँ जहाँ से कॉन्ट्रास्ट मीडियम पास करेगा हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरे उसका जो पास होगा उसको आ, क्या करें ट्रेस कर लेंगे ठीक है हम एक्सरे लेंगे मतलब हमने डाइटेस्ट कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट किया और हमने मल्टीपल टाइम पे हमने एक्सरे लिया और इससे एक टाइम पे लेने एक एक्सरे लेने या मल्टीपल टाइम पे एक्सरे लेंगे ताकि हम उसके पाथवे को ट्रेस कर सकें तो इससे हमें पता चल सकता है कि अगर जिस लेवल से आगे वो पास नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उस लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो में क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मीडियम दे रहे और फिर एक्सरेज का यूज कर रहे हैंफी अब ये टेस्ट किस पे डिपेंड करता है दिस टेस्ट डिपेंड अपॉन द गमारेज सबसे पहले हमने क्या करना है वी प्रिपेयर आर कोलॉइड विद द हेल्प ऑफ आ विद द हेल्प ऑफ कह लें कि एलिमेंट या विद द हेल्प ऑफ अर सबस्टांस विच इमिट गैमारेज ठीक है लाइक टेक्नीशियम नाइंटी नाइन ठीक है

ठीक है गैमारे इसको ट्रेस करते हुए हम वो जो हमने उसमें कॉलॉइड दिया है ठीक है उसमें जो सबस्ट्रांस हमने दिया है उसके पासवे को ट्रेस करना है कि किस लेवल पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या वो कम्पलीटली मूव कर रहा है अगर देखें ना अगर हमें इस किस्म का पासवे ऑब्टेन हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो पहले पंक्टा से गुजरा फिर वो लैक्रिमल कैनिकुलाई से गुजरा फिर लैक्रिमल सेक में एंटर हुआ वहाँ से डक्ट से गुजरा और नेजल कैविटी में एंटर हो गया तो दिस इज़ द लेक्रिमल सेंटिलोग्राफी से एंड पे से आ जाता है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो कि दो कॉजेज हमने देखे हैं कि नंबर वन लैक्रिमल्स पंप फेलियर था और नंबर टू ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज थे तो हम क्या करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है लाइक प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग करेंगे अगर उसके ऑब्स्ट्रक्शन है इस लेवल पे ठीक है अगर इसका नेजल लेक्रिमल डक ऑब्ज्रेक्ट है तो हम डी सी आर करते हैं ठीक है डेकरायोसिस्टो डाइनोस्टोमी इसमें हम क्या करते हैं वही मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ द लेक्रिमल सैक विद द नेजल कैविटी ठीक है यहाँ पे नेजल कैविटी है तो हम डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन द लेक्रिमल सैक एंड नेजल कैविटी तो यहाँ से टीयर ऐसे ड्रेन करते हैं और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजिस में है नेजल पॉलिप है तो हम पोलिपेक्टमिक करेंगे और पॉलिप को रिमूव कर देंगे ठीक है तो इस तरह ये थे ऑब्फेक्टिव और इलेक्ट्रीमल पम्प फेलियर है तो हम इसमें क्या करेंगे वी रिस्टोर द पोजिशन ऑफ आई जो कि हम एंट्रोपी uh, एंट्रोप जब हम एक्ट्रोपियन को डिस्कस करेंगे तो एक्ट्रोपियन में जो डिफरेंट सर्जरीज यूज होती हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो ये था ट्रीटमेंट और लास्ट में हम देख लेते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। अब एक बेसिक प्रिंसिपल है व्हेन the ड्रेनेज ऑफ secretion इज ऑब्सट्रक्टेड देर विल be invasion एंड proliferation ऑफ बैक्टीरिया distal to इट ठीक है तो अगर यहाँ से जस्ट इमेज़िन, यहाँ पे ऑब्सट्रक्शन है और टीयर ड्रेन नहीं हो रहे तो बैक्टीरिया जो यहाँ पर हमारे आई पे आ रहे थे वो यहाँ पे प्रोलीफ्रेट करने लग जाएंगे अब जब वो यहाँ पर प्रोलीफ्रेट करेंगे तो इस वजह से काफी इन्फेक्शन हो सकते हैं मोस्ट कॉमन इंक्लूड कंजंक्टिवाइटस नंबर टू ड्राय डेक्रायोसिस्ट्राइटिस कब होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन इस लेवल पे होगी क्योंकि डेक्रायसिस्ट्राइटिस इज द इंफ्लेशन ऑफ सैक एंड एंडलाइट में आल्सो क्या था इसमें सबसे पहले हमने देख लिया इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देख लिया व्हाट आर द टू कॉजिस फिर कॉजिस को हमने डिस्कस किए ऑब्जक्टिव कॉजेज़ होते हैं जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं एनी वेयर अलॉन्ग द लेक्रिमल हैग फिर हमने देखे हैं दूसरे कॉजेज़ लेक्रेमल पम्प फेलियर कि लेक्रिमल पम्प नॉर्मली होता क्या है और उसकी जो फेलियर है वो किन कंडीशन में होती है फिर हमने देखा वट आर द क्लिनिकल ए, टेस्ट विच आर यूज टू तो डायग्नोस एपिफोरा फिर हमने देख लिए लैक्रीमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट जिसमें डाइट डिसपेरेंस डायग्नोस्टिक सरेंजिंग जॉन्स डाइट टेस्ट डेक्रायसिस्टोग्राफी एंड डेक्रेम सिंटिलोग्राफी डैट यूज द गैमा रेज गैमा ये डैट यूज इज द गैमारेज ठीक है हमने गैमा कोलोइड प्रिपेयर करके इंजेक्ट किया और फिर गैमा कैमरा से मल्टीपल फोटोग्राफ्स दी और उसके पाथवे को ट्रैक किया फिर ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन होप यू विंड दिस लेक्चर हेल्पफुल काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो कमेंट द सजेशंस And also push the bell icon so that you will be notified when my lecture is uploaded. Jazakallah.